भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का सबसे भारी रॉकेट LVM-3 M2 वन वेव इंडिया वन का मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इसे शनिवार और रविवार की दरमियानी रात आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC से लॉन्च किया गया था। इसरो ने बताया कि ब्रिटेन स्थित ग्राहक के सभी 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को निर्धारित निचली कक्षाओं में स्थापित कर दिया गया है। आपको बता दें कि भारी लिफ्ट रॉकेट GSLV-MK3 का नाम बदलकर LVM-3 M2 कर दिया गया है। इसमें 36 वन वेव उपग्रह 43.5 मीटर लंबा और वजनी 644 टन LVM-3 M2 रॉकेट श्रीहरिकोटा में भारत के रॉकेट पोर्ट के पैट से लॉन्च किया गया। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने रॉकेट लॉन्च की सफलता के लिए शनिवार सुबह तिरुपति जिले के सुल्लुरपेटा में चैंगलम्मा परमेश्वरी देवी मंदिर में एक विशेष पूजा की थी। इसरो अध्यक्ष ने बताया कि हमने पहले ही दिवाली उत्सव शुरू कर दिया है। 36 में से 16 उपग्रह सफलतापूर्वक सुरक्षित रूप से अलग हो गए हैं और शेष 20 उपग्रह थोड़ी देर में अलग हो जाएंगे। ये एक ऐतिहासिक मिशन है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन के कारण ही संभव हुआ है, क्योंकि वे चाहते थे कि LVM-3 NSIL के साथ वाणिज्यिक बाजार में सबसे आगे आए, ताकि वाणिज्यिक कार्य क्षेत्र की खोज और विस्तार के लिए हमारे प्रक्षेपण यान का संचालन किया जा सके।